तो अब ये भी बहुत बड़ा सवाल है, इसे भी समझना, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्लोबल बिंदु है और ये कई बार चर्चाओं में आया है, सुर्खियों में आया है, लेकिन इस बार सुर्खियों में आने का कारण ऐसा है कि गूगल को सबक सिखा दिया है फ्रांस ने, और फ्रांस ने सबक सिखाया है एंटी ट्रस्ट के मामले पर। अब ये एंटी ट्रस्ट क्या होता है इसे हम जानते हैं। इधर देखिए साथियों, हाल ही में गूगल पर एंटी ट्रस्ट के तहत किस देश ने लगाया जुर्माना? साथियों, हाल ही में फ्रांस ने गूगल के ऊपर एंटी ट्रस्ट के मामले में 220 मिलियन यूरो का जुर्माना लगा दिया है। अब आप पूछेंगे, सर ये एंटी ट्रस्ट क्या होता है? देखिए, सही मामले में कहें तो एंटी ट्रस्ट का मतलब बेवफाई है ना, और बेवफाई सुनते ही हिंदी में हजारों गाने बेवफाई पर मिल जाएंगे, लेकिन ये बेवफाई किसने कर दी है? गूगल ने कर दी है। किसके साथ करी है? आपके साथ, मेरे साथ, पूरी दुनिया के साथ। लेकिन पकड़ा किसने? फ्रांस ने पकड़ा, और फ्रांस ने इस बार कहा कि गूगल वालों, तुमको हर आदमी पकड़ पकड़ करके शिकायत करता है, तुम सुधरते नहीं हो। इस बार हम जो पेनल्टी लगा रहे हैं, ये पूरी ग्लोबल पेनल्टी लगा रहे हैं, तुम अगर पूरी दुनिया में से नहीं सुलझे तो हम पूरी दुनिया में तुम्हारे खिलाफ अलख जगा देंगे और तुम्हें सुधारने के लिए मजबूर कर देंगे। आप लोग एक चीज नोटिस करिएगा, आजकल की जितनी भी समाचार पढ़ लो, कोई भी न्यूज पढ़ लो, जहां भी देखोगे, गूगल, ट्विटर, फेसबुक, ये गजबी माहौल नहीं हो गया है? मतलब इन तीनों का, और छोटा मोटा जो है अमेज़न, इनके ही भाई पूरा मार्केट के अंदर कैप्चर हो रखा है, पूरी तरह से दुनिया इनसे प्रभावित हो रही है, क्योंकि इकोनॉमी को इन्होंने इतना गदर तरीके से पकड़ा हुआ है। अभी हम दिखाएंगे आपको, फैक्ट्स के साथ पता चलेगा क्या है पूरी कहानी, आइए हम बताते हैं। तो फ्रांस ने इनको पकड़ लिया है और कहा है कि तुम्हारी बेवफाई जो है वो बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है, और तुम्हें ही भारी पड़ने वाली है, और हम इसके लिए तुम्हारे ऊपर फाइन लगा रहे हैं। अब आप पूछेंगे, सर गूगल ने ऐसा क्या एंटी ट्रस्ट कर दिया, क्या बेवफाई कर दी सर इसने? आज के सेशन में सीखेंगे आप। तो गूगल ने साथियों हाल ही में अपना जो एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है, उस एडवर्टाइजमेंट के बिजनेस के ऊपर 268 मिलियन डॉलर कह लीजिए या 220 मिलियन यूरो कह लीजिए, इतना फाइन चुकाने का निर्णय लिया है, क्योंकि फ्रांस की एक एंटी ट्रस्ट एजेंसी, आप अगर बेवफाई करेंगे और बच के निकल जाएंगे, ये मतलब युगल्स में होता होगा, कपल्स में होता होगा, लेकिन भैया दुनिया में ऐसा नहीं होता है। दुनिया में बेवफाई को पकड़ने के लिए आपके लिए ट्रस्ट एजेंसी बनाई हुई है, जो एंटी ट्रस्ट को पकड़ती है कि इन्होंने जो कहा था वैसा नहीं किया, इन्होंने विश्वासघात किया। और फ्रांस की जो एंटी ट्रस्ट एजेंसी है, उसने साथियों इस घटना को पकड़ लिया है, फ्रेंच की वॉच डॉग ने इसको पकड़ लिया है और इनको पकड़ करके इनके ऊपर जुर्माना लगाया है। पहले हम आगे चले, इससे पहले थोड़ा गूगल के बारे में प्रशंसा सुन लीजिए। और देखिए, गूगल की बात कुछ भी हो, लेकिन लोकतंत्र फिर भी है गूगल के ऊपर। आप पूछेंगे कैसे? पता है, मैं आपको पूरे इस वाले क्वेश्चन में गूगल की ही बुराई करने वाला हूं, और मजेदार बात पता है क्या है, मैं गूगल के ही यूट्यूब पर गूगल की बुराई करने वाला हूं। भाई साहब, इतना लोकतंत्र कहां होता है भाई? यह बिल्कुल ऐसे हो गया कि आप किसी राजनीतिक पार्टी में हो और राजनीतिक पार्टी के मंच पर खड़े होकर के राजनीतिक पार्टी को गरिया रहे हो। मतलब ये तो गजब ही चीज हो गई है, अपनी ही पार्टी को कर रहे हो। भाई हमारे लिए तो YouTube माई बाप है, हमारा बिजनेस खत्म हो जाए भाई अगर हम YouTube पर ना बचें, तो हम कहां पढ़ाएंगे, फिर कहां मिलेंगे आपसे? इंस्टा इतनी देर पढ़ाने नहीं देगा, मुद्दा समझ रहे हैं आप लोग? तो भाई ये लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में अब चलिए थोड़ा खिंचाई करते हैं इसकी, क्यों? क्योंकि इसने वादा किया था कि हमारे सामने खुला बोल सकते हो, हम उसी का लाभ उठा रहे हैं। सुनिए क्या है साथियों, गूगल जो है वो एक साल में कमाता कितने रुपए है, थोड़ा पैसे में समझिए इस बात को, 11,928 अरब रुपए। ये इसकी वर्ष 2019 का आंकड़ा मुझे मिला, एक न्यूज़पेपर वाले ने बढ़िया से सारी खबरें निकाल रखी थी, हमने कहा चलिए मजा आ जाएगा। तो इधर देखिए साथियों, 11,928 अरब रुपए ये इसकी एक साल की कमाई है। इस एक साल की कमाई में ये 1,620 अरब रुपए यानी कुल कमाई का 13% ये जो है ना, ये कमाता है एडवर्टाइजमेंट से। अब आप पूछेंगे सर ये एडवर्टाइजमेंट कैसे आता है, अभी सिखाएंगे सारा, आपसे ज्यादा कौन जानता होगा, अनअकैडमी वालों ने इतना प्यार बांटा है आपको एडवर्टाइज के माध्यम से, और किसी को भी नहीं पता है उस एडवर्टाइज में चल क्या रहा है। बस हाँ, एक लाइन सबके दिमाग में, लेट्स क्रैक इट, वो टीचर जो बोल रहा है किसी को नहीं पता है कि क्या पढ़ाएगा, हाँ बोले चल यार तू इसकी पैड पर पहुंच, खच। चलिए आगे, गूगल क्लाउड के बारे में बात करते हैं। 5% कुल कमाई 662 करोड़ रुपए जो है वो इसकी कुल कमाई का गूगल क्लाउड के पास है। अच्छा, यूट्यूब जिस पर हम बतिया रहे हैं, इससे गूगल 1104 अरब रुपए कमाता है, यानी कि कुल कमाई का 9% यूट्यूब से कमाता है।
आता है, क्योंकि गूगल जो है, अच्छा ये क्लाउड क्या होता है, ऐसा नहीं है कि भाई गूगल वाले अपना बादल बनाए घूम रहे हैं, समझ रहे हैं ना। बीच में एक क्लाउड के ऊपर बहुत ज्यादा मजाक बना था। ये क्लाउड का मतलब होता है साथियों एक डेटा, एक समझिए कि ऑनलाइन आपको मेमोरी कार्ड पकड़ा रखा है, ये समझिए, जहां आप अपना डेटा सेव कर सकते हैं वो क्लाउड कहलाता है, ठीक है। उसका किराया जो आप देखते हैं ना कि आप जीमेल के थ्रू 15 GB तक मटेरियल सेव करके रखे हुए हैं, ज्यादा चाहिए तो खरीद लीजिए, वो क्लाउड है। यूट्यूब पर 1104 करोड़ रुपए का कमाता है गूगल प्ले स्टोर से। आप पूछेंगे सर हमने तो आज तक 4 पैसे भी नहीं दिए हैं, प्ले स्टोर पर हम सारे एप्लीकेशन वही डाउनलोड करते हैं जो फ्री में है, लेकिन आप में से कई बहुत बड़े तगड़े कलाकार खेलने के होते हैं, वो खेलने के अंदर हर नई चीज को जो खरीदते हैं तो वो गूगल प्ले से कुल कमाई का, गूगल प्ले 12% कुल कमाई गूगल प्ले से कमाता है। और मैं आपको बता दूं, आप भले ही पे ना करते हो लेकिन जो गूगल प्ले पर अपना एप्लीकेशन डालते हैं उन्हें गूगल प्ले पर पैसे देने पड़ते हैं और उसकी कमाई इसकी 12% है। और छोटा मोटा और अगर कहीं लगा लें अन्य माध्यमों से कमाने वाली जो चीजें हैं वो मेल है, इसका मैप है और या और तमाम चीजें जो हैं वो 61% कुल कमाई का। अब हम लोग जो आज चर्चा कर रहे हैं वो एडवर्टाइजमेंट की कर रहे हैं। आज जो इस पर जुर्माना लगा है वो असल में इसके एडवर्टाइजमेंट पर लगा है। आप पूछेंगे कि क्यों सर क्या हुआ, देखिए हम बताते हैं। असल में क्या होता है ना जी कि गूगल के साथ में सीधा से सिस्टम है। क्या सिस्टम है मैं आपको उदाहरण सहित बताता हूं। ये सुंदर पिचाई भैया हैं, पता नहीं पैसा लेके कहां जाएंगे, ढंग से खा पी भी नहीं रहे हैं, हम इनके साथ फोटो में भी मतलब बड़े दिख रहे हैं, समझ रहे हैं आप, इतना खाए पिए पड़े हैं। तो साथियों ये जो फ्रांस के अंदर है, इनके फ्रांस में साथियों इसके ऊपर क्या हुआ है, एंटी ट्रस्ट हुआ है। फ्रांस कहां पर स्थित है बताने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी तरह से मालूम है कि फ्रांस जहां है उसके ऊपर की तरफ क्या कहते हैं उसके डोवर स्टेट, बगल में बे ऑफ बिस्केक है, बिस्केक के बगल में अटलांटिक सी है, ये सब हम पढ़ा रखे हैं। ये बिस्केक है आपको मालूम होगा, यहां से आपको पूरा के पूरा सेल्टिक सी, ये अटलांटिक ओशन नीचे की तरफ जो है आप यहां पर देखते हैं मेडिटेरेनियन ओशन, ये फ्रांस आपने देख रखा है, फ्रांस के अंदर सारा कारनामा हुआ है। हुआ क्या है, हमने आपको बताया कि इनके द्वारा यहां पर मतलब एक अथॉरिटी के द्वारा इनके ऊपर क्या लगाया गया है, जुर्माना लगाया गया है, और ये वो अथॉरिटी है जो बोल रही है कि लगा दिया है भाई हमने इनके ऊपर जुर्माना। हुआ क्या है, पूरा डिटेल से पूरा मामला हम समझाएंगे। इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा पहले मुद्दे को पकड़ें, हम एक उदाहरण लेके आए थे, आप उसको पकड़ लेते तो बहुत अच्छा होता। हाँ जी साथियों, होता क्या है, आप लोग जितना भी एडवर्टाइज वगैरह देखते हैं वो एडवर्टाइज का मतलब पहले समझिए। आप इस चीज को देखिए, हमने आपके लिए ये स्लाइड काट के निकाली है। जैसे मान लीजिए मुझको ना एप्पल का आईपैड प्रो खरीदना है, इधर देखिए मैंने आपके सामने ही एक रिसर्च मतलब यहां पे रिजल्ट दिखाया है, एप्पल का आईपैड प्रो खरीदना है और इसको खरीदने के लिए मैंने यहां पर आईपैड प्रो लिखा। मैंने जैसे ही आईपैड प्रो यहां लिखा तो आईपैड प्रो उसके बारे में गूगल ने यहां तो जानकारी दे दी कि ये कितने का आने वाला है क्या कुछ है, लेकिन आप अगर नोटिस करें तो यहां पर देखिए स्टार्टिंग में इसने एडवर्टाइज दे दिया और आपको पता भी नहीं चला क्या हुआ। देखिए मैं बताता हूं, आप देखिए इसने यहां पर शुरू में इधर देखिए आईपैड प्रो स्टार्टिंग का पहला लिंक AD का मतलब हो गया एडवर्टाइज। आप लोग अगर नोटिस कर पा रहे हो, दिख रहा हो तो देखिए मैं और जूम कर देता हूं, इसे आपको AD करके एडवर्टाइज दिखाई दे रहा होगा, और देखिए नीचे दिखाई दे रहा होगा AD। इसके बाद वाले देखिए उन पर कोई AD फेडी कुछ नहीं है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब ये बात कहना क्यों चाह रहा हूं वो समझिए साथियों। होता क्या है, इस बात को थोड़ा समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाई ये जो आपने एडवर्टाइज देखा साथियों, एक रिसर्च कहती है कि जब भी हम गूगल पर कुछ ढूंढते हैं, और गूगल वालों की ही रिसर्च है ये, जब भी हम गूगल पर कुछ भी ढूंढते हैं तो दुनिया की 90% आबादी गूगल का पहला ही लिंक क्लिक करती है। 90% सर्च करने वाले जो लोग हैं वो गूगल के फ्रंट पेज पर ही और जो पहला जो खुल के आया है उस पर क्लिक करते हैं। आप अंदाजा लगाइए, ये रिजल्ट है। अब आप एक फिगर और देखें यहां पर जो आपको समझ में आना चाहिए। आपको पता है एप्पल आईपैड प्रो के बारे में इतने सारे रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, मैं गिन भी नहीं पा रहा हूं, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 1 अरब इंफॉर्मेशन उपलब्ध हैं आईपैड प्रो के बारे में। उनमें से ये 0.55 सेकंड में आपके सामने ये चीज ले आया।
यार सोचने की बात है कि जब कोई देश इस प्रकार, जब कोई कंपनी इस प्रकार का कार्य कर रही है, तो कंपनी के कार्य करने पर यह वाला एडवर्टाइज सबसे ऊपर आया, इसका मतलब सीधा है कि बाकी सबको तो मूर्ख बनाया गया। मान लीजिए कि इस कंपनी के अंदर कोई और भी है बेचारा आप जैसा कोई नया व्यक्ति जो एप्पल आईपैड प्रो को बहुत सस्ते दामों पर बेच सकता है, उसको मिल गया है कहीं से और वो बेचना चाहता है, लेकिन उसका नंबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जिनके पास पैसा था उन्होंने सबसे पहले वाला स्लॉट बुक करा लिया। साथियों, जब गूगल बना था ना, तो गूगल ने ये कहा था कि हम इंटरनेट सर्विसेज का उपयोग करेंगे और उपयोग करते समय सुनिश्चित करेंगे कि ये वाला प्लेटफॉर्म सभी के लिए समान रूप से अवेलेबल हो, बराबर रूप से अवेलेबल हो। लेकिन गूगल ने क्या किया, इस पूरे क्षेत्र को बेच दिया। आप पूछेंगे, सर ऐसा बेचने का कारोबार होता कहां है? अब हम आपको वो बताते हैं। साथियों, गूगल पर एड मैनेजर नाम से एक एप्लीकेशन होता है जिसमें आप एड एक्सचेंज कर सकते हैं। इसे एडीएक्स के नाम से जाना जाता है, एडीएक्स। मान लीजिए कि अनअकैडमी वाले भी अब जब एडवर्टाइज अपना लगाते हैं ना, तो वो इसी एडीएक्स पर अपना एडवर्टाइज खरीदते हैं कि भाई हमारा एडवर्टाइज दिखना चाहिए, चाहे वो यूट्यूब पर दिखे, चाहे वो फेसबुक, जब जहां पर भी दिखे, यूट्यूब पर दिखे या गूगल पर हमारा एडवर्टाइज दिखे, तो इसी एडीएक्स के थ्रू पैसा दिया जाता है। तो भाई जिसको एडवर्टाइज करना है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि पैसा देके खरीदना चाहेगा, लेकिन ये पैसे वालों के साथ ये काम कर रहा है तो उनका क्या होगा जिनके पास पैसा नहीं है? एक तरीके से तो आपने दुनिया के लोगों को मूर्ख बनाया ये कह करके कि हम आपके लिए फ्री प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। फ्री प्लेटफॉर्म के नाम पर हर व्यक्ति आप तक आ गया, लेकिन जो नया प्लेयर है, जो मार्केट में एकदम नया उतरा है, मान लीजिए कल को अनअकैडमी तो बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन कोई छोटी सी कंपनी खुल जाए, वो छोटी सी कंपनी टिकना चाहे उसके सामने तो कैसे टिकेगी? तो इसके लिए उसके पास में ऑप्शंस नहीं है ना। तो जब ऑप्शंस नहीं है तो वो अपने पास इतना पैसा नहीं दे पाएगी कि उसके सामने टिक पाए। तो ये जो कहानी है ये गूगल ने बिगाड़ी है। हमारे पास तो एडवर्टाइज करना चाहे जहां से करो आप करो, लेकिन गूगल ने हमसे ये गलती हरकतें करवाई और हम ये हरकत करते हुए आगे निकल गए। तो गुनहगार कौन बना? गूगल बना, क्योंकि ये नए लोगों को उतरने का मौका ही नहीं दे रहा है। इस स्थिति में गूगल की इस एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज को लेकर फ्रांस की एजेंसीज ने गूगल को दांप लिया कि बेटा चले आओ इधर। और जब पकड़ लिया, आप देखते हैं ना तमाम कोचिंग्स के एडवर्टाइज देखते हैं, जूते टेबल जितने कितने तरह के एडवर्टाइज आते हैं वो सब पैसे से हैं, सब पैसे से हैं। तो उस स्थिति में एक जेन्युइन आदमी जो नया काम शुरू करना चाह रहा है वो कैसे करेगा? तो ये जो इंटरनेट की सबसे मूलभूत परिभाषा है कि इंटरनेट सबके लिए बराबर रूप से उपलब्ध हो, उसका दोहन है। तो ऐसी स्थिति में गूगल को बुला करके कहा गया और गूगल ने अपनी गलती मान ली। गूगल ने कहा ठीक है सर, मैं अपनी गलती मांगता हूं और मैं यह भी कहता हूं कि आगे से हम इस बारे में इन गलतियों को सुधारेंगे। और जो एडीएक्स नामक जो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम पैसे वालों को वो प्लेटफॉर्म बेच देते हैं, उसके अंदर कोई तरीका निकालेंगे। फिलहाल गूगल जो है वो 220 मिलियन रुपए देकर के, करोड़ यूरो देकर के निकल लिया है, 200 करोड़ रुपए के आसपास है वो देके निकल लिया है। उसका क्या ही फर्क पड़ रहा है यार? वो कहा कि ठीक है तुम भी पकड़ो, चलो आगे रखो। ऐसा नहीं है कि गूगल के ऊपर मतलब पहली बार ऐसा आरोप लगा हो। साथियों, गूगल का इतिहास पुराना है। गूगल के ऊपर दुनिया के तमाम देशों के द्वारा इस प्रकार के आरोप लगे हैं, चाहे फिर वो कोई सा भी देश हो। जैसे मैं आपको बताऊं साथियों, रिसेंट डेज के अंदर इस डिजिटल इकोनॉमी के मामले के अंदर गूगल को इंडिया के माध्यम से भी एक एंटी ट्रस्ट केस लगा था। इंडिया के अंदर भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पकड़ करके इसके ऊपर केस लगाया था, यह कहते हुए कि तुम जो प्ले स्टोर में एप्लीकेशन दिखाते हो वो गूगल पे वाला पहले दिखाते हो, बाकियों का नहीं दिखाते हो। तो ऐसी स्थिति में इंडिया वाले इसको प्ले स्टोर के नाम पर पकड़ चुके हैं, फ्रांस वाले इसको एडवर्टाइज में पकड़ चुके हैं, ठीक है ना। ऐसे इटली वालों ने इसको पकड़ लिया है कि तुम अपना एक एप्लीकेशन बेच रहे हो। और दूसरा क्या है, ये क्या करता है ना, लोगों के ऊपर दबाव बनाता है। कैसे? अब मान लीजिएगा कि जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाइनीज फोन यूज करते हैं और चाइनीज फोन के अंदर आप जैसे ही देखते हैं जो बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन मिलता है, वो सर्च इंजन किसका होता है? गूगल का होता है। अब भाई हम जो है, जैसे मान लीजिए अब ये एप्पल यूज कर रहे हैं, इस एप्पल में भी माल चाइना का ही है और इसमें भी गूगल डला हुआ है। आप सोच के देखिए कि ये सब लोग जो है ये अपने अंदर बाय डिफॉल्ट, और चाइनीज फोन जो होते हैं उन चाइनीज फोन के अंदर तो खोलते ही गूगल की सर्विस शुरू हो जाती है। हम जैसे गूगल बोलते हैं हमारा ये फोन जो है तुरंत पकड़ लेता है कि हाँ भाई हमारा नाम आ गया, जबकि गूगल ने थोड़ी बनाया है इसको। गूगल सर्विस प्रोवाइडर है, ब्राउजर है, और उस ब्राउजर को भर भर के पैसा मिल रहा है, क्योंकि ब्राउजर जो है वो उस कंपनी को खरीद लिया ये कहते हुए
कि बाय डिफॉल्ट हमें ही डालो। तो इस प्रकार की जो घटना है इटली वाले पकड़ लिए थे। ऐसे ही साथियों दुनिया भर के जो देश हैं, जैसे जर्मनी ने पकड़ लिया कि गूगल न्यूज जो है वो क्या करती है, आपने देखा होगा गूगल की न्यूज भी आती है, वो भी अपने ही तरफ से अपनी ही न्यूज को ऊपर रख रहा है। तो एक प्रकार से गूगल के ऊपर एंटी ट्रस्ट के मुद्दे नए नहीं है। इवन अमेरिका, यूके और जो ईयू है, इन्होंने मतलब जो है अपने द्वारा कई बार इसके ऊपर एंटी ट्रस्ट लगाया है। अब तो ये ऐसे हो गए हैं कि इन्हें इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहते हैं कि ठीक है एंटी ट्रस्ट लग रहा है, तुमको फाइन भरवाना है हम फाइन भर देंगे, तुम इसको राजनीतिक चंदा समझो, हम राजनीतिक चंदा समझ के तुमको पैसा दे रहे हैं, तुम बढ़िया से यूज करो सब चलता रहेगा। ये है साथियों सारा के सारा कार्य। तो अब आपके सामने सवाल बनता है, व्हाई एंटी ट्रस्ट लॉ सूट आर बीइंग फाइल्ड रिपीटेडली अगेंस्ट टेक जायंट लाइक फेसबुक। फेसबुक पर भी और गूगल पर भी ऐसी घटनाएं रिपीटेटिवली क्यों हो रही हैं? आप इसके बारे में अपनी तरफ से नोट लिखें और आप बताएं कि वाकई में क्या इसका समाधान संभव है। मेरी ओपिनियन में इसका कोई भी समाधान संभव नहीं है। अगर गूगल ने बिल्कुल डेमोक्रेटाइज कर दिया इन सब चीजों को तो यकीन मानिए कि गूगल फिर बंद ही हो जाएगा, फिर कमाएगा नहीं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, ये रहा, ये देख रहे हैं क्या लाभ है, ये सिटीजन चार्टर है, सभी एडुकेटर्स की लाइव स्ट्रक्चर, एजुकेशन परीक्षा की पूरी तैयारी, कहीं भी कहीं से भी ऐसी मिथ क्लासेस पढ़िए, वीकली प्रश्नोत्तरी में शामिल हुईए, डाउट क्लियरिंग सेशन में जाइए, बड़े ही आकर्षक तरीके से पढ़िए, पीडीएफ डाउनलोड करिए, टेस्ट सीरीज करिए, सही मेंटरिंग पाइए, ये सिटीजन चार्टर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। करना कैसे है, लेना कैसे, अनअकैडमी को मोबाइल में जाइए, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करिए, डालने के बाद में वहां ऑप्शन पूछे जाएंगे, जो भी गोल सेलेक्ट करोगे, आपने यूपीएससी कर लिया तो यूपीएससी, एसएससी कर ले तो एसएससी, वहां जाइए, वहां जाकर के गोल सेलेक्ट करिए, महीना सेलेक्ट करिए कितने के लिए पढ़ना है, सेलेक्ट करके रेफरल कोड अप्लाई करिए, फीस में 10% की कटौती हो जाएगी, फिर पेमेंट कर दीजिए, सारा काम आसान है। अच्छा, फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो हम है ना, रेफरल कोड अंकित 10 तो यूज कर ही लिया, उसके बावजूद भी कोई दिक्कत रह जाए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर के नाम से, 60,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, एक और टेलीग्राम चैनल जीके भाई अंकित अवस्थी सर के नाम से 2,00,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हो जाइए और कनेक्ट होकर के यहां पर आप लोगों को तमाम प्रकार की जानकारियां साझा की जा रही हैं। कोई भी मुसीबत आए इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं। समय शुभ हो, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। फिर मिलते हैं आप लोगों से 10 बजे वाली क्लास में, जहां पर आप मेरे साथ में ग्रासलैंड्स पढ़ेंगे। थैंक यू।